नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में 5वें दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा, छात्रों को आगे बढ़ने का दिया मूल मंत्र। कटरा में वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। शिवसेना का पीएम मोदी पर हमला, मुखपत्र सामना में लिखा, मोदी वैश्विक शांति की ज्योति लेकर पूरे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन उनका अपना गुजरात चल रहा है। काबुल में अमेरिकी दूतावास के पास आत्मघाती हमला, हमले में गई 20 से ज्यादा लोगों की जान, 160 से ज्यादा लोग जख्मी, भारतीय और अमेरिकी दूतावास को कोई नुकसान नहीं, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। एलजी सेटरक्राफ के मसले पर हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, दिल्ली सरकार ने केस वापस लिया। दिल्ली के गांधीनगर और सनलाइट कॉलोनी में सिलेंडर ब्लास्ट में गई 6 लोगों की जान, 30 से ज्यादा लोग जख्मी, कई दूसरे मार्केट भी चपेट में। वाघा बॉर्डर के रास्ते आज भारत आएगा कृपाल सिंह का शव, लाहौर की कोट लखपत जेल में हुई थी संदिग्ध मौत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव क्योंकि यहां है खबरें लगातार।